हेलो फ्रेंड, मोर यूट्यूब चैनल जीएच नॉलेज प्रो रे मुझे स्वागत करुच्ची। तो आम आज पढ़ा नवम श्रेणी प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ एवं प्रथम पाठर द्वितीय पाठटी को आम पढ़ा भारत एवं पृथ्वी। मु प्रथम पाठ्रे भारत आकार अवस्थित संपूर्ण भाव में बुझे थी, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दूँ, से क्लिक करी से पाठटा बुझीपारे। आम नेक्स्ट पार्ट पढ़ा प्रथम पाठर भारत एवं पृथ्वी। तो भारत एवं पृथ्वी रे तुमने देखि पारु थो बहिरे देछि, भारत एशिया महादेशर पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया मझी भागरे अवस्थित एवं एहा पृथ्वीर आंतर्जातिक जलपथर एक सुविधाजनक जगार अवस्थित। आम मैंने मैप्रे जिनसटी को देखा, तो मैप्रे जिनसटी देख जमी दे भारत पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया मझी भागरे अवस्थित। आम पूर्व क्लास रे पढ़ी थिलु कि यह संपूर्ण भाव में उत्तर गोलार्धर एशिया महादेशर दक्षिण अवस्थित, से भिडियोटी डिस्क्रिप्शन रु देखिपार। तो वर्तमान भारत पृथ्वी ए प्रथम पाठर सेकेंड टॉपिकटा आम आलोचना करुचु। भारत एवं पृथ्वी रे भारत पूर्व एशिया यह हूँ एशिया महादेश बुझे थी या पूर्व एशिया महादेश यह पूर्व एवं यह हूँ पश्चिम, एपटे उत्तर एवं तलपटे रहा दक्षिण। तो भारत मानचित्र ये देखिपार। तो भारत हूँ पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया मझी भाग में अवस्थित। एवं आउ एक जिनस लिखी बहरे तुमने देखिपार के भारत आंतर्जातिक जलपथर एक सुविधाजनक जगार अवस्थित। यह हूँ जोटा ब्लू रही स्काय कलर यह सब हूँ जलभाग पृथ्वीर आटलांटिक महासागर, एपटे पैसिफिक ओशन, एक एटा हूँ प्रशांत महासागर, एटा हूँ भारत महासागर बुझेगा, एपटे साउदर्न ओशन। तो भारत आंतर्जातिक जलपथर यही जलपथ द्वारा जिते कारबार हुए बिजनेस कारबार जो कारबार हुए तो भारत हूँ एक सुविधाजनक जगार अवस्थित। यार मूल भूखंड एक अणओसारिया दक्षिण पटे भारत महासागर भितर पशि रही, अर्थात भारत महासागर उत्तर पटर एक विस्तीर्ण जलराशि बंगोपसागर एवं आरब सागर में विभाजित होती। अणओसारिया भारत भितर को पशिच तीन पटे जलराशि थी भारत को एक उपद्वीप कहा जाए, जार चतुर्पार्श्व चारिपटे जलराशि थाए द्वीप कहा जाए। जमी मालदीप हूँ एक द्वीप राष्ट्र, श्रीलंका हूँ एक द्वीप राष्ट्र, यार चतुर्पार्श्वर कौन अच्छी जलभाग अच्छी। तो भारत तीन पटे जलभाग थीप कहुए। तो भारत पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया मझी भाग में अवस्थित एवं आंतर्जातिक जलपथ जिते जलपथ द्वारा कारबार होती यार एक सुविधाजनक स्थित भारत अवस्थित। एवं भारत महासागर उत्तर एक विस्तीर्ण जलराशि जहाँ बंगोपसागर एवं आरब सागर विभाजित होती, भारत अणओसारे हो दक्षिण अंचल ये भारत महासागर भितर को एमती पशि जा, तेणु भारत को एक उपद्वीप कहा जाए। एवं भारत महासागर सहित तो भारत स्थल भागर सीमारेखार दैर्घ्य जिते अन्य कौन सी देशर एत सीमा कौन है ना भारत महासागर को लगे ना, तेणु आम देशर ना अनुसार ये देख आम जलभागर सीमारेखा। तो आमर जलभागर सीमारेखा भारत महासागर को जिते लगी, अन्य कौन सी देशर सीमारेखा भारत महासागर को ये दैर्घ्य विशिष्ट लगे ना, तेणु आम देश भारतर नाम अनुसार भारत महासागर नामकरण करथार्थ करा कथा, कारण आम देशर अधिक दैर्घ्य विशिष्ट सीमारेखा ये भारत महासागर को लागिकर रही अच्छी। एवं नेक्स्ट देखिए तुम बहरे कई विस्तीर्ण जलराशि जहाँ भारत महासागर उत्तर रे एपटे बंगोपसागर एपटे आरब सागर भारत को लगी, भारत पूर्व रे बंगोपसागर पूर्व एशिया देश मान सहित वाणिज्य कारबार एवं पश्चिम रु पश्चिम यूरोप देश मान सहित वाणिज्य कारबार कर। प्रीवियस क्लास रे स्वेज केनाल विषय में बुझे थी केमती आम आरब सागर तापर लाल सागर एवं मझीरे थिला स्वेज केनाल एपटे भूमध्य सागर तापर आसलु आम आटलांटिक महासागर को एवं पश्चिम यूरोपीय देश मान सहित वाणिज्य कारबार करूँ। ठीक से ही भाव में आम बे अफ बेंगल बंगोप सागर पूर्व एशिया देश मैंने जमी इंडोनेशिया रहा मलेशिया रहा एपटे थाइलैंड सुमात्रा जाभा इत्यादि सहित तो आम पूर्व काल में पूर्व एशिया देश मान सहित वाणिज्य कारबार करूँ। वर्तमान कार्तिक पूर्णिमा आम जो डंगा भसा पर्व पालन करुचु ताही परंपरा अनुजाई आम पालन करुँ। प्रथम बणिक मैंने जाते यू जगह को वाणिज्य कारबार करने विशेषकर भारत पान गुआ इत्यादि ओडिशा नहीं जाते कौ जगह ना पूर्व
एशिया देश मान सहित वाणिज्य कारबार करने तो यही विस्तीर्ण जलराशि आम पूर्वरे पूर्व एशिया देश मान सहित वाणिज्य कारबार करुचु एवं पश्चिम आरब सहित पश्चिम यूरोप देश मान सहित वाणिज्य कारबार करुअु। नेक्स्ट बहिरे देखे देख के भारतर संपर्क अनेक देश मान सहित जुग जुग धरिकी रही आसी अछि। अनेक देशर लोक माने परिव्राजक माने भारत को जो रास्त आसुले आमे जानी भारतर उत्तर रे हिमालय पर्वत श्रेणी अच्छी जहाँ मध्य एशिया देश मान भारत को अलग करुच्छ। यही पर्वत श्रेणी मझीरे अनेक गिरीपथ गिरीपथ क्या कहुए मुझे आमे जानी भारतर उत्तर रे हिमालय पर्वत श्रेणी अच्छी पहाड़ जदि एमती अच्छी यार मझीरे खाल स्थान जहाँ बाट दे कि कौन हो पारी पारुछु आमे पर्वत तो यही स्थान को दुईटा पर्वत मझीरे खाल स्थान जहाँ मध्य पर्वत पारी हुए ताहाकु गिरीपथ आमे कहुचु। तो भारतर संपर्क जुग जुग धरी अनेक देश मानक सहित रही अच्छी से देशर परिव्राजक माने भारत को एक गिरीपथ दे कि आसुले एवं भारत सहित संपर्क स्थापन करुले। प्रथमे वाणिज्य कारबार स्थल भाग द्वारा होता जहाँ सिल्क रूट तुम मानक मु प्रीवियस क्लास रे फोटो रे देखे थी मैप्रे देखा थी सिल्क रूट तो से बाटर वाणिज्य कारबार होता यापर जलपथ कौन है स्थलपथर वाणिज्य कारबार अंतराय सृष्टि कला। तापर नेक्स्ट देख बही यही सब गमनागमन पथ वाणिज्य कारबार और भावर आदान प्रदान सहित सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन कालरु मुख्य भूमिका ग्रहण करियासिछि। फलरे आमर वाणिज्य कारबार केमती होतिला आमर प्रथमे स्थल भाग द्वारा आमे अनेक देश सहित वाणिज्य कारबार करिथिलु एवं वाणिज्य कारबार सहित भावर आदान प्रदान सुसंपर्क संस्कृतिर मध्य आदान प्रदान करुथिलु। नेक्स्ट दे बहरे देख फल आम भावर आदान प्रदान सांस्कृतिक क्षेत्र प्राचीन कालर मुख्य भूमिका ग्रहण कर फल रामायण उपनिषद तत्व पंचतंत्र गल्प भारतीय संख्या और दशमिक व्यवस्था बहु दूर से पहुँची पारी एवं ता सहित भारत वाणिज्य कारबार मसला मसलिन आम विदेश सहित वाणिज्य कारबार करुथिलु एवं आमे वाणिज्य कारबार करिबा सहित विदेशरु मध्य लोक माने आसिकी आम भारत रे वाणिज्य कारबार करुथिले। यूरोपीय माने आरबीय माने भारत को आसिकी पुरातन कालरु वाणिज्य कारबार करुथिले जहार वर्तमान मध्य भारत रे अनेक गंबुज एवं मीनार होउछि एहार एक ज्वलंत उदाहरण। तो नेक्स्ट देछि तुम बहिरे देख के भारतर द्राघिमा एवं अक्षांश रेख्य विस्तार पाखापाखि 30 डिग्री जमती आम प्रीवियस क्लास रे मध्यम पढ़ते एवं आउट बुझाऊँ 8 डिग्री 4 मिनिट रु अक्षांश रेख्य वृत्त आरंभ होती कौ पर्यंत 37 डिग्री 6 मिनिट पर्यंत पाखापाखि 30 डिग्री एवं 68 डिग्री 7 मिनिट द्राघिमा रेखा अप टू कौ पर्यंत दे 97 डिग्री 25 मिनिट पर्यंत यह 30 डिग्री पर्यंत भारतर यह विस्तार रही अच्छी। किंतु किलोमीटर रे प्रकाश करने को गले भारतर पूर्व पश्चिम एटा होची पश्चिम एटा होची पूर्व एवं उत्तर दक्षिण एटा होची उत्तर एटा होची दक्षिण भारतर विस्तार आम भारतर द्राघिमा एवं अक्षांश रेखा विस्तार देखुचे पाखापाखि 30 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनिट रु 37 डिग्री 6 मिनिट एवं द्राघिमा रेखा होची 68 डिग्री 7 मिनिट रु 97 डिग्री 25 मिनिट किंतु एहाकु किलोमीटर रे प्रकाश करबाकु गले भारतर उत्तर दक्षिण यार विस्तार होची 3214 किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिम विस्तार होची विस्तार होची 2933 किलोमीटर एवं आमे जानीछु के द्राघिमा रेखा गुड़ा अक्षांश रेखा परी समांतर नुहंती। गोटे जिनस मन रख द्राघिमा रेखा अक्षांश रेखा परी समांतर नुहंती अक्षांश रेखा होची समांतर अक्षांश वृत्त होची समांतर किंतु द्राघिमा रेखा विषुव वृत्त अंचल रे कौन होती अधिका ग्याप एवं परे जाकि मेरु अंचल मिलित हो जाती आम नवा पृथ्वीर एक अबिकल नकल नवा आम एटा देखु विषुव वृत्त 0 डिग्री
ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ରେଖା ଯାହା ଏଇଟା ହେଉଛି କି ରେଖା ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ଏମିତିରେ ଯେଉଁ ରେଖା ଯାଇଛି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବକୁ ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କ'ଣ ବିସ୍ତାର ଡିଗ୍ରୀରେ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତର ବିସ୍ତାର କିଲୋମିଟରରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି 3214 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି 2933 କିଲୋମିଟର ତ ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଯାହା ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି ବିଶୁବ ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦେଖ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଧିକା ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖ ଅଧିକା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି ଏଠି କମିଲା ତାପରେ କମିଲା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ମିଳିତ ହୋଇଗଲା ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଭଳି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ କହୁଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 111 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି ତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣର ବିସ୍ତାର ପାଖାପାଖି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବହିରେ ଦେଖ ଭାରତର ଏହି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲି କି 1 ଡିଗ୍ରୀକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ନା 4 ମିନିଟ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରେ ତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 30 ଡିଗ୍ରୀ ତ 30 ଡିଗ୍ରୀରେ କେତେ ହେବ 30 × 4 120 ମିନିଟ୍ ବା କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଭାରତର ଏଇ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବପଟୁ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସକାଳ ହୁଏ ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ଗୁଜୁରାଟର ଦ୍ୱାରକାରେ ସକାଳ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ତ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖୀୟ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ 1 ଡିଗ୍ରୀକୁ 4 ମିନିଟ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବିସ୍ତାରରେ ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ 4 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ଭାରତର 30 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖୀୟ ବିସ୍ତାର ଅଛି ତେଣୁ 30 × 4 ହେଲେ 120 ମିନିଟ୍ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି 2ଟା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଅଛି ଯଦି 2ଟା ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଥାଆନ୍ତା 3ଟା ଥାଆନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନେଲୁ ଯାହା ଭାରତର ଠିକ୍ ମଝି ଭାଗରେ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ରୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଏହାର ମଝି ଭାଗରେ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଦେଇକି ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରେଖା ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଇଲାହାବାଦ କତିର ଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରେଖା ଏବଂ ଏହି ସମୟ ରେଖା ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ସମୟ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛୁ ଆମେ ଏହି ମଝିରେ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରେଖା ବୁଝିହେଲା କି ଭାରତ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଜାଗାର ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟରେଖାର କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବିସ୍ତାର ବେଶୀ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ହୋଇଯାଉଛି ଏଠି ଧର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ 5ଟାରେ ହେଲା ବେଳେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେତେଟାରେ ହେବ 7ଟା ବେଳେ ହେବ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଉଛି ଏଠି 7ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ତ ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ମଝିରେ ଏକ କଳ୍ପନା କରାଗଲା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ରେ ଯାହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରେଖା ହିସାବରେ ନିଆଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ଭାରତ ମଝିରେ ହେଉ ଭାରତ ସାଇଟ୍ରେ ହେଉ ବା ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ନାହିଁ ନହେଲେ କେବେ ପୁଣି ତୁମମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ବାହାରିଯିବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେଉଁଠି ଅଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଏମିତି କୌଣସି ଦ୍ରାଘିମା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ଇମାଜିନାରୀ ଏହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଏ ଜିନିଷ ଏହା ଇମାଜିନାରୀ ଏହା କୌଣସି ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଏମିତି ଟଣାଯାଇ ନାହିଁ ବୁଝିହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବହିରେ ଦେଖ
देश। आमे नेक्स्ट पढ़िबा आमर पड़ोसी देश। तो देखिबा आमर पड़ोसी देश कौ माने, पड़ोसी देश माने जहाँ सीमारेखा भारत सीमारेखा को लगी आमती दूर से अच्छी, जमी आम कौ आमर पड़ोसी साइड घर वाला आमर पड़ोसी। तो भारत देशर पड़ोसी देश माने मु गोटे गोटे कहि एपटे उत्तर पश्चिम रोच पाकिस्तान, उत्तर रे चीन, एठी रहिला नेपाल भूटान, एवं यार पूर्व पटे रहिले म्यांमार, एठी बांग्लादेश, एवं यहा सहित दक्षिण पटे मध्य दुईटी देश अच्छी जहाँ द्वीपराष्ट्र गोटे हूँ श्रीलंका एवं आउ गोटे हूँ मालदीप। यहा सहित आंडामान निकोबार द्वीपपुंजर जदि आम सैट्रे देखा तो इंडोनेशिया, मालेशिया, थाइलैंड इत्यादि मध्य आमर पड़ोसी देश, किंतु जहाँ सीमारेखा स्थल भाग में आम देशर सीमारेखा को लगे ना। आम मैंने मानचित्र सब देश को आउ थे देखा, तो मानचित्र देखो भारतर उत्तर पश्चिम रे पड़ोसी देश होची पाकिस्तान, जार राजधानी होची इस्लामाबाद, उत्तर रे तीनोटी देश अच्छी चीन, नेपाल एवं भूटान, यह होची उत्तर रे चाइना जार राजधानी बेजिंग, एटा होची नेपाल उत्तर रे भारतर पड़ोसी देश जार राजधानी काठमांडू, एटा होची भूटान उत्तर रे भारतर पड़ोसी देश जार राजधानी होची थिम्पू, एवं एपटे पूर्व रे म्यांमार जार राजधानी यागुन, एवं एठी होची बांग्लादेश जहाँ राजधानी होची ढाका, एवं यहा सहित यह स्थलभाग सीमारेखा आम देश को लगी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ए सबू देशर स्थलभाग सीमारेखा आम देश सहित लगी आमर पड़ोसी देश। यह सहित दुईटी देश अच्छा जहाँ द्वीपराष्ट्र जार जलभागर सीमारेखा आम देश सहित लगी। देख मु देखा मैप्रे श्रीलंका जहाँ एक संकीर्ण जलराशि द्वारा भारत ठारु अलगा हैछि, जहाँ को पक प्रणाली मध्य कहा जाए, यही जलराशि पक प्रणाली, यहाँ भारत ठारु यार यही देशटी अलगा, यह हूँ भारत एवं पड़ोसी देश यार है श्रीलंका। एवं यहाँ सहित लाक्षाद्वीप द्वीपपुंजर, लाक्षाद्वीप द्वीपपुंजर साउथ रे एठी देख मालदीप बोली गोटे देश अच्छी जहाँ राजधानी हूँ माले, एवं श्रीलंकार होची कोलंबो, एहा मध्य दुईटी आमर पड़ोसी देश। एहा सहित आंडामान निकोबार द्वीपपुंजर आमती दूर रे एई पटे पूर्व रे देश को माने रहिले इंडोनेशिया, मालेशिया, थाइलैंड इत्यादि मध्य होची आमर पड़ोसी देश। एवं आउ एक जिनस देछि के सामरिक दृष्टिकोण रु भारत होची एशिया महादेशर एक महत्वपूर्ण जगार रही अच्छी, कारण यार तीन पटु जलराशि द्वारा बेष्टित होई जलराशि घेरी रही, एवं एपटे होची पूर्व दिगरे पूर्व दक्षिण रे आंडामान निकोबार द्वीपपुंज, एवं पश्चिम दक्षिण रे लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज, तेणु सामरिक दृष्टिकोण रु आम भारत मध्य बहुत भल जगार अच्छी। तो यहा होची भारतर पड़ोसी देश। नेक्स्ट देख बही रे के भारत विश्वर सप्तम बृहत्तम देश, या पूर्व क्लास रे पढ़ी थी रूसिया, कानाडा, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजिल, ऑस्ट्रेलिया, तापर होची भारत, यही सप्तम बृहत्तम देश को प्रशासनिक सुविधा पाई देश को केते गुड़िया राज्य, राज्य को जिला, एवं जिला को ब्लॉक रे विभक्त करा जायछे प्रशासनिक सुविधा पाई। तो भारत रे 28 गोटी राज्य बहिरे देखी देख 28 गोटी राज्य, सातटी केन्द्रशासित अंचल, तो प्रथम 28 राज्य थिला, पुणी तेलंगाना एक राज्य है, 29 राज्य है, वर्तमान जम्मू काश्मीर आउ राज्य रहिला नाही, ताहा दुईटी केन्द्रशासित अंचल रे विभक्त है, तो पुणी 28 राज्य हो गला। तो वर्तमान भारत रे 28 राज्य, तुम बहिरे देखी सातटी केन्द्रशासित अंचल, किंतु वर्तमान 9 गोटी केन्द्रशासित अंचल रे विभक्त है, 28 राज्य एवं 9 गोटी केन्द्रशासित अंचल। तो बहिर एक चार्ट रे देख दे 28 गोटी राज्यर ना, तहार राजधानी ना, केन्द्रशासित अंचल नाम, एवं तहार राजधानी नाम दौची मु भारत मानचित्र रे एई सब राज्य एवं राज्यर राजधानी दर्शा तुम मानक देखई दौची, एवं केन्द्रशासित अंचल गुड़िक पॉइंट कर दौची तुमने देख। तो प्रशासनिक सुविधा पाई आमे देश को केते गोटी राज्य, राज्य को जिला, एवं जिला को केते गोटी ब्लॉक रे मध्य तहसील रे मध्य विभक्त करिछु प्रशासनिक सुविधा पाई। तो भारत रे 28 गोटी राज्य एवं 9टी केन्द्रशासित अंचल अवस्थित। मु तुम मानक मैप रे गोटे गोटे राज्य, राजधानी एवं केन्द्रशासित अंचल कह दौ, तुम बही रे मध्य चार्ट रे दिया हेछि तुमने देखिपार। वर्तमान पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, वीडियो रे ठीक भाव में आपंक जदि बुझी तो मो वीडियो टी लाइक कर दियंतु, एथिरु मोर आत्मविश्वास बढ़िबो, मु नेक्स्ट
आपण मानी यहाँ भल भल वीडियो आसीपारि तो देखो भारतर 28 गोटी राज्य मुझ फटाफट कहीदे तुम बही तुम देखिपार जम्मू काश्मीर जहाँ राज्य नाई बर्तमान दुटा केन्द्रशासित अंचल जाइए गोटे हूँ जम्मू काश्मीर आउ गोटे हूँ लद्दाख ये हिमाचल प्रदेश जार राजधानी सिमला पंजाब जार राजधानी चंडीगढ़ एवं हरियाणा जार राजधानी चंडीगढ़ यह हूँ चंडीगढ़ एक केन्द्रशासित अंचल एपटे रहा हिमाचल प्रदेश जार राजधानी सिमला उत्तराखंड डेराडून राजस्थान जयपुर गुजरात अहमदाबाद मध्यप्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई गोवा पानाजी कर्नाटक बेंगलोर केरल थिरुवनंतपुरम तमिलनाडु चेन्नई आंध्र प्रदेश र राजधानी वर्तमान पर्यंत हैदराबाद अच्छी किंतु अमरावती को वर्तमान राजधानी करने चेष्टा चली वर्तमान पर्यंत हैदराबाद अच्छी तेलंगाना जहाँ आंध्र प्रदेश ठारू बाहरी तहार राजधानी हैदराबाद एवं ओडिशा जार राजधानी तुम मैंने जाथ कहनी छत्तीसगढ़ जार राजधानी रायपुर झारखंड जार राजधानी होची रांची बिहार राजधानी पटना एपटे रहा उत्तर प्रदेश जार राजधानी होची लखनऊ पश्चिमबंग जार राजधानी कोलकाता एपटे रहा सिक्किम जार राजधानी गैंगटक अरुणाचल प्रदेश ईटानगर आसाम दिसपुर तापर ये नॉर्थ ईस्ट ये सब राज्य रहा बुझे ये सब नॉर्थ ईस्ट राज्य जहाँ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसाम ये सब सिक्किम जार राजधानी हूँ गैंगटक अरुणाचल प्रदेश ईटानगर आसाम दिसपुर मेघालय शिलंग नागालैंड कोहिमा मणिपुर इम्फाल मिजोराम आइजवाल एवं त्रिपुरार अगरतला तो यह हूँ भारतर 28 गोटी राज्य ना एवं राजधानी एवं देखा केन्द्रशासित अंचल 9 गोटी जमी जम्मू काश्मीर आउ गोटे हूँ लद्दाख ये चंडीगढ़ एवं ए डामंडियू जार राजधानी होची डामन दादरा और नगर हवेली एठी रहिला यार होची सिल्वासा दिल्ली जार राजधानी दिल्ली ता सहित एठी तमिलनाडु रे गोटे अच्छी पुडुचेरी जार राजधानी पुडुचेरी आंडामान निकोबार द्वीपपुंज मु मैप्रे देखी ये देख आंडामान निकोबार द्वीपपुंज यार राजधानी होची पोर्ट ब्लेयर एवं भारतर दक्षिण पश्चिम अवस्थित लाक्षाद्वीप जार राजधानी होची कावार्ती बही चार्ट देती तुम मैंने देखिकी मन रखापी चेष्टा कर तो लास्ट्रे धैर्य रख मु अल्प समय 2 मिनिट्रे क्लास सरवाक चेष्टा करुच्ची तो लास्ट देखिए गोटे देख तुम्हें कम तो तुम्हें कम प्रथम देखिए भारतर मानचित्र देखिकी भारतर पूर्व उपकूल एवं पश्चिम उपकूल राज्य गुड़िकर नाम लेख बा बाहर कर ये भारतर मैप देखिपार तो भारतर मैप्रे देख आम यही मैप देखा तो देखिए भारतर पूर्व एवं पश्चिम उपकूल में केतोटी राज्य केन्द्रशासित अंचल बाहर करवा आम प्रथम एटी देखा बंगोपसगर आरब सगर बंगोपसगर को लगिकर कौ राज्य अच्छी ना प्रथम पश्चिमबंग ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु मन रोच पश्चिमबंग ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सेमती भारतर पश्चिम उपकूल सहित आरब सगर को लगिक कौ राज्य सब अच्छी गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक एवं ता तड़े रहिला केरल पश्चिमबंग ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र एवं गुजरात यार होची भारतर उपकूलवर्ती राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल तमिलनाडु अच्छी पुडुचेरी एवं एठी आमे गुजरात कति देखा गुजरात में दादरा और नगर हवेली एठी लगी समुद्र को एवं डामंडियू समुद्र को लगिक अच्छी द्वितीय देख तुम्हें कम क्षेत्रफल दृष्टि भारतर बृहत्तम एवं भारतर क्षुद्रतम राज्य तो क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान राज्य भारतर सबुठ बड़ राज्य क्षेत्रफल दृष्टि ओके तो एवं गोवा हूँ भारतर सबुठ छोट राज्य क्षेत्रफल दृष्टि ए राजस्थान हूँ बड़ एवं गोवा हूँ सबुठ छोट राज्य आउ तुम्हें कम गोटे जिनस देखिए देख के कौ राज्यर सीमारेखा जलभाग को लगिक ना जमी आम पढ़ु ये जलभाग को कौ राज्य मुझे बर्तमान कहली किंबा कौन सी देशर सीमारेखा को मध्य लग ना एमती कौ राज्य अच्छी जार सीमारेखा कौन सी देश को लगनी कि जलभाग को लगनी आम बर्तमान मैप्रे देखा कि मध्यप्रदेश यार सीमारेखा कौनसी कौन है ना कौन देश को लगिना कि कौन उपकूल को मध्य लगिना छत्तीसगढ़ एटी रहा झारखंड एटी रहा हरियाणा बुझे ये सबूर सीमारेखा हरियाणा
एवं मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड इत्यादि इत्यादि राज्यर सीमारेखा ना कौन देशर सीमारेखा को लगी जलभाग द्वारा लगी। ओके तापरे नेक्स्ट तुम्हें काम कतोटी देशर ना एवं से पड़ोसी देश सहित आम देशर कौ राज्यर सीमारेखा से पड़ोसी देश सहित लगिकर अच्छी मुझे देखा जमी पाकिस्तान भारत उत्तर पश्चिम अवस्थित पाकिस्तान देश सहित पड़ोसी देश सहित गुजरात सीमारेखा राजस्थान पंजाब एवं जम्मू काश्मीर जहाँ जम्मू काश्मीर स्टेट थी दिभाग वर्तमान केन्द्रशासित अंचल गोटे जम्मू काश्मीर गोटे लद्दाख रे तो गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू काश्मीर यार सीमारेखा पाकिस्तान सहित लगी चीन सहित जम्मू काश्मीर लद्दाख अंचल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एपटे रहा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश यही राज्यर सीमारेखा चीन सहित लगी जदि नेपाल सहित देखा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार एवं सिक्किम एवं ता सहित पश्चिमबंग यही सब राज्यर सीमारेखा का सहित लगी नेपाल सहित लगी भूटान सहित आम देखा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसाम यार सीमारेखा का सहित लगी भूटान सहित बांग्लादेश आमर पड़ोसी देश सहित कौ राज्यर सीमारेखा लगी एपटे पश्चिमबंग आसाम मेघालय त्रिपुरा इत्यादि सीमारेखा लगी बांग्लादेश सहित लगी म्यांमार सहित आम जदि देखा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोराम इत्यादि सीमारेखा क्या सहित लगी म्यांमार देश सहित लगी। तो फ्रेंड आज ये जदि वीडियो भल लगुच लाइक करूँ आगू एमती नुआ नुआ वीडियो नहीं आसुवि एवं षष्ठ रु दशम पर्यंत ज्योग्राफी हो हिंदी रिलेटेड सब वीडियो आणुवि जदि वीडियो भल लगला सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन दबातु मु नेक्स्ट जेबे भी वीडियो अपलोड करे यार नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण मानक पहुँची पार आजपाई ये धन्यवाद।